हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीतास कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत में खाने वाले मोतीचूर के लड्डू, जो हम साबूदाना से बनाएंगे। और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना हमें कुछ तलना है, ना कुछ हमें फेंटना है, ना हमें घंटों इंतज़ार करना है। बस फटाफट हम साबूदाना को भिगोएंगे और अपने लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं लड्डू। इसके लिए मैंने ये एक कप साबूदाना लिया है, ये एक कप ही चीनी है, और ये थोड़े से वाटरमेलन सीड्स हैं, और ये चार हरी इलायची ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लड्डू बनाना। ये देखिए, साबूदाना को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, और अब ये इसका पानी मैंने सारा ड्रेन आउट कर दिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ दबा के, अपना साबूदाना ऐसे हो जाता है कि आराम से टूटने लगता है। तो अब चलिए लड्डू बनाते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है कढ़ाई में। अब ये जो हमारा साबूदाना था, इसको मैं इसमें डाल के और अच्छे से इसको भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, अभी 2 ही 3 मिनट हुए हैं और अपना साबूदाना पकने लगा है। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट होने लगता है साबूदाना जब पकने लगता है धीरे धीरे। इस तरह से मीडियम आंच पे इसको बस 2 मिनट मैं और भूनूंगी। ये देखिए, साबूदाना एकदम गल गया है। 5 मिनट हुए हैं अपने को बनाते हुए, और अब मैं इसमें ये 1 कप जो हमने चीनी ली थी वो भी इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए, चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब इस टाइम मैं इसमें ये जो मैंने इलायची ली थी उसको कूट के डाल देते हैं, और थोड़ा सा मैं येलो कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, पर कलर से ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैंने गैस को तेज कर दिया है जिससे कि ये चीनी का पानी सूख जाए। और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ते नहीं है अपने। अब इस टाइम ये जो मैंने वाटरमेलन सीड्स लिए थे ये भी इसी में मिला देंगे। ये देखिए, चाशनी का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, बस 2 मिनट और लगेंगे। ये देखिए, चाशनी बिल्कुल सूख गई है और अपना बैटर बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो रहा है इसमें। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, 10 मिनट हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, गुनगुने में ही हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, एकदम कढ़ाई को छोड़ा है अच्छे से, अपना साबूदाना भी गल गया है। अब मैं 10 मिनट बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हुए हैं और अपना ये मिक्सचर इतना ठंडा हो गया है कि हम हाथ से इसको आराम से छू सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टीस्पून ये कोकोनट पाउडर मिला रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और अपने लड्डू भी अच्छे से बाइंड हो जाएंगे।
वो साबुदाना का स्टिकी पना बिल्कुल भी नहीं रहेगा लगेगा आपको। ये देखिए अच्छे से मिल गया है। अब अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और ये देखिए अपने हाथ में उठा के इस तरह से लड्डू बना लेंगे। जैसे भी छोटे बड़े लड्डू आपको पसंद हो आप बनाइए। ये देखिए कितने आराम से बन रहे हैं, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर और लिया है और इसको थोड़ा सा ऐसे और लपेट लेंगे हम कोकोनट पाउडर में और फिर थोड़ा और हल्के से वो कर देंगे, राउंड राउंड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से तो अपने लड्डू और भी सुंदर लगेंगे और ऊपर से मेवे से इसको गार्निश कर देंगे और इनको ऊपर से बादाम और पिस्ते से सजा देंगे। ना हमें तलना पड़ा ना हमको भूनना पड़ा, बस फटाफट हमने जल्दी से लड्डू बना लिए, वो भी व्रत में खाने के मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं अपने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।